आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता मुनिश्री परम सागर जी महाराज के परम सानिध्य में अरहम आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। सोमवार को इस अरहम आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में मुनिश्री परम सागर जी महाराज की दिव्य देशना को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में 5 दिवसीय अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के परम सानिध्य में अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव चल रहा है। अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव में अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को अपनी मंगल देशना से धन्य करते हुए कहा कि 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ ऐसे तीर्थंकर हैं, इनके 12 भवों में हमें कभी यह देखने और सुनने को मिला कि इन्हें किसी उपसर्गों से परेशान होना पड़ा हो। कहने का यह तात्पर्य है कि 24 तीर्थंकरों में से भगवान शांतिनाथ की अर्चना करने से भक्त को काफी पुण्य मिलता है। मंदिर में किसी भी शुभ कार्य या मंगलकारी कार्य से पहले श्री 1008 शांतिनाथ विधान होता है। वैभव त्याग करने के बाद में विदेह की नगरी में वह एक राजा के यहाँ पुत्र बने और उनका नाम मेघरथ रखा गया। क्या? हाँ, ये वो भव है मेघरथ का, जिस भव में वह तीर्थंकर नाम परम को बांधने की 16 कारण भावनाओं को भाएंगे और फिर उसी के बाद में अगले भव में वह देव बनने के बाद में शांतिनाथ तीर्थंकर बनेंगे। तो उससे पहले का जो मनुष्य भव है उसमें उनका नाम क्या था? मेघरथ। सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रहा अरहममय आध्यात्मिक अर्चना महोत्सव को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। भक्तजनों का कहना था कि ताज नगरी में पहली बार अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। इसमें भाग लेकर भक्त काफी खुश नजर आए। आज शांतिनाथ भगवान का विधान हो रहा है, मुनि श्री ने इसको बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और अभी विधान चल रहा है। ये बहुत ही कल्याणकारी अतिशयकारी विधान है और ऐसे विधान बहुत ही कम होते हैं। इस पंडाल में भव्य और मंगलकारी शुभ फलों को देने वाले भगवान शांतिनाथ का शांतिनाथ विधान का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मुख्य विशेषता यह है कि ये विधान स्वयं श्री मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित विधान है। आज शांतिनाथ विधान श्री मुंशी 108 प्रणम्य सागर महाराज जी के सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान हुआ और सब लोगों को आनंद प्राप्त हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ लेने के लिए शहर भर की विभिन्न शैलियों के साथ विभिन्न शहरों से गुरुवर के परम भक्त आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 जैन मंदिर परिसर मौजूद रहे। सी न्यूज से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।